ऐसी जगह ड्यूटी लगा लिया है दादा तूने भी। क्यों, क्या हुआ? एक घंटे से तू मेरा मुंह देख रहा, मैं तेरा मुंह देख रहा, कोई तीसरा मुंह दिखा के यहाँ पे? क्या मतलब? अच्छी भली वो चौक की कमी वाली जगह छोड़ा, अन्य सुनसान जगह आगे खड़ा। बस कर रहे है, बस कर, बहुत ज्यादा बोल रहा है पाटिल। अबे ये सब मैं अपने प्रमोशन के वास्ते कर रहा, मालूम क्या तुझको? है प्रमोशन के वास्ते? अरे लेकिन ये गांव के किनारे तेरा कौन सा प्रमोशन हो जाएगा? गांव में रहने वाले लोग बहुत लापरवाह रहते, ना हेलमेट पहन के निकलते, ना लाइसेंस लेके निकलते, ना उनके पेपर क्लियर रहते। कानून का तो जरा भी डर नहीं रखते हो। मैं इससे लोगों पे केस बना के दंड वसूल करूंगा और सरकार का फायदा करूंगा, फिर देखना कैसे मेरा प्रमोशन नहीं होता। अरे बाप रे बाप, पॉइंट पुलिस। अब वो सब चोर, वो देख प्रमोशन का पहला केस आ गया मेरा। आ जाओ आ जाओ। अरे साहब मैं आता, पन कुछ करेगा तो नहीं ना तुम? अरे भारत के सपूतो आ जाओ। कुछ नहीं करेंगे रे साहब, चलो चलो आ जाओ। नो 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 नो। चल गाड़ी के पेपर बता। पेपर तो घर पे है साहब। मग लाइसेंस बता। लाइसेंस भी घर पे है साहब। जो गाड़ी के साथ में रहने वाली चीजें उनको घर पे रखता, जो घर पे रहने वाली चीजें उनको साथ में लेके घूम रहा। अरे एक दो लोग को और बैठा लेना ना। अरे हाँ तो साहब, दो लोग आगे भी खड़े ले, उनको भी बिठाने का है ना। साहब इंडिकेटर बंद है इसका और हेडलाइट तो बिल्कुल उड़े लिख रहा मेरे को। ब्रेक तो लगती नहीं होंगे साहब। हॉर्न तो है ही नहीं इसके अंदर, हॉर्न छोड़ के सब बसता हूँ इसका। और तू भाड़ रहे इसकी नाम की, नाम बोल रहे? ओ साहब ऐसा मत करो ना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ ना। तो फिर कैसे करूँ? मेरे को जान दो ना साहब। जान दू? ऐसे कैसे जान दू? अब एक बाइक पे इतने लोगों को बैठा के घूम रहा और आगे से दो लोग को और बैठाएगा, वो गाड़ी में बदुआ दे रही होंगी। अरे साहब एक रुपया भी नहीं है घीसे में कसम से। ऐसा पैसे नहीं है तेरे जेब में? ओह नो। ए निकाल रहे इसकी गाड़ी का पेट्रोल निकाल। अरे रुको रुको रुको, दे रहा मैं। आप कैसे निकले पैसे? अंदर ध्यान रखना, इतने लोगों को मत बैठाना गाड़ी पे, मैं तो गाड़ी जमा कर लूंगा। ओह नो। सुन, जो दो आगे खड़े ले उनका क्या करेंगे अभी? अरे उनको रिक्शा में बिठा के भिजा दूंगा ना साहब। चल जा। अबे रुको रे। अबे अभी 500 रुपए डन भरा, फिर इतने लोगों को बैठा के लेके जा रहा, अबे आगे और कोई हवलदार पकड़ लेगा, इनको पैदल जान दे। उतरो रे, पैदल जाओ। नो 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 नो। कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। अपन जान दो ना, पहली बोलनी तो होगी अपने साहेब। अब पहली नहीं, अभी देख तू कितनी बोली होंगी। क्या वल्दर साहब, क्या हाल चाल है? क्या हाल रहेंगे? चल रही गाड़ी। मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसा कमाने का डांसू आइडिया दूं क्या? देना भैया देना। आज मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाले एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे तुम कभी भी पैसा कमा सकते हो। वो ऐप का नाम है ओलम ट्रेडिंग ऐप। इसकी बहुत सारी ट्रेडिंग वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी जिससे तुम कभी भी घर बैठे पैसा कमा सकते हो। और अभी ये बिल्कुल सही मौका है फाइनेंशियल मार्केट को समझने का। हमको सिर्फ ये अंदाजा लगाना ये ग्राफ अप जाएगा या डाउन। मैंने डाउन सिलेक्ट किया। यस, देखो मैं जीत गया। देखो एक बार और करके बताता, तुम पहले डेमो अकाउंट से स्टार्ट करना और इसमें ट्रेन होते ही अपना रियल अकाउंट इस्तेमाल करना और पैसे कमाना। ये देखो मैं फिर से जीत गया। कॉमन और जाने माने लोग सब इस प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं और पैसा कमाते हैं। तुमको मालूम है होल्डर साहब, ओलम ट्रेड बड़े बड़े प्राइजेस का ड्रॉ भी कर रहा है जिसमें हुआवे 40 प्रो, सैमसंग S20 और सैमसंग S21 और भी बहुत सारे प्राइजेस है। और उनका सबसे बड़ा प्राइज 2,75,000 के रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 है। तो मुझे इनाम जीतने के वास्ते क्या करना पड़ेगा? तुमको इनाम जीतने के वास्ते मेरे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से रजिस्टर करना पड़ेगा और मेरा प्रोमो कोड यूज करके पैसे डिपॉजिट करना और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर ओलम ट्रेड के फेसबुक पेज पे प्राइवेट मैसेज आई फंडेड द अकाउंट उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना। बस ये तो बहुत आसान है, मैं अभी तेरे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से इसको रजिस्टर कर लेता। चल अभी मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, यार छोटू साहब बहुत नाराज हो जाएंगे मेरे पे, जाऊं मैं। हाँ? यो, यो, यो। पाटिल
इसके पाँव से बालू गिरे। अरे साहब वो तो पैदल आ रहा ना। अरे उसको आराम तो दे, देख मैं कैसे कायदे बना के पाँव से भरता। अरे ओ मोटे चीजें रुको रुको, ओ मोटे चीजें रुको, अरे रुको। क्या बात है, चलो पौटी बारो 500 रुपए की। काय के बारे में? तुम रोड पे पैदल चल रहे हो उसके बारे में? तो लोग क्या रोड पे कुल्हाड़ियां मारते चलते क्या? सरकार ने फुटपाथ काय के बारे में बनाए ले, लोगों को धंधा करने के वास्ते, ठेला गाड़ी लगाने के वास्ते। अरे सरकार ने फुटपाथ में पैदल चलने के रास्ते बनाए ले, तुम खुशहाल रोड के बीचों बीच पैदल चल रहे, और कोई गाड़ी ने पीछे से आके ठोक दी तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? चलो 500 की पावती बनाओ जल्दी से। अब तुम पैदल चलने वालों का चालान भाड़ेंगे? हाँ काटेंगे, निकालो भड़ाक से 500 रुपए। 500 रुपए? तो ये आरटीओ का केस नहीं लग रहा? ले ले भैया ये 50 ले, और पैदल मत जाना रिश्ते से जाना। तो वो यार चल गया ना तो जाम आ जाती थी, आधा दिमाग खा लिया था यार। क्या भाई लोग ऐसे भी लोग रहते क्या दुनिया में? अबे पार्टी, अबे देख उनको फुल मेकअप में हवा में बाल उड़ाते थे कि स्कूटी पे कैसे आ रहे, पर देख हेलमेट भी नहीं पहने ले। अबे कानून का जरा डर कांप नहीं है दिल में? अंदाजा कुछ हुआ तो पूरा खानदान लड़ने को आया था। अबे आना यार, रुक देखता हूँ तुम्हें। ओके रुक, अबे रुक 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 ना। क्या हुआ साहब? इतनी भोली मत बन, गाड़ी के पेपर बता। गाड़ी का पेपर? अरे वो तो मैं लेकर निकलने वाली थी, लेकिन अचानक मेरी फ्रेंड का फोन आ गया और हम पेपर लिए भी नहीं घर से निकल गए। अच्छा तो लाइसेंस बताओ। लाइसेंस तो 3 साल पहले बना ली थी मैंने, मगर आज क्या हुआ ना, जैसे मैं फ्रेश होकर रूम में गई, टेबल से लाइसेंस उठाया, जैसे पर्स में रखने लगी तभी मेरी फ्रेंड का फोन आ गया और हम लाइसेंस पर्स में रखना भूल गए। अच्छा ठीक है, वही तो मैं बोलू ना सर, गलती तो इंसान से होती है। हा? गलती तो आपसे भी होती होगी ना सर? और गलती हमसे भी हो गई, अगर गलती ना होती तो। अरे चुप रहो, मेरे को भी कुछ बोलन देंगे क्या तुम्हें? दोनों चबर चबर करेंगे। अब बोलने के लिए बचे क्या है सर? हम तो आपको बोल ही चुके ना, लाइसेंस और पेपर लाना भूल गए। 500 रुपए की पावती भरना पड़ेगी, 500 रुपए ठंड भरना पड़ेगा तुम दोनों को। 500? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है ओलर साहब। अरे सर 500 रुपए तो मेरे ब्यूटी पार्लर का खर्चा है। अगर वही 500 तुमको दे देंगे तो ब्यूटी पार्लर कैसे जाएंगे? 500 रुपए डन भरो, वरना गाड़ी जमा कर लेंगे। आप फिर कौन से गाड़ी छुड़ाना? हो सकता 3 दिन की सजा हो जाए तुमको। तुमको वकील लगाना पड़ेगा छुड़ाने को, और वकील की फीस अलग से देने पड़ेगी। तो फिर क्या करूं? पावती भर लो, 500 रुपए का डन भर लो। ठीक है सर, हम गाड़ी का पेपर, लाइसेंस और हेलमेट घर से मंगवाते। अभी कौन लेके आएंगे वो सब चीजा? मेरे पापा, और कौन? लगा तेरे पापा को फोन। ए पापा को फोन लगा तो। हाँ। हेलो पापा। अरे सर देखो मेरे पापा आ गए। हाँ? अरे बाप रे, अरे इधर आ गए। तो इधर बैठे हुए। अरे सर चलो पापा आ गए।
चलो चलो। क्या हुआ बेटे, क्या बात है? ₹500 की पावती भरना पड़ेगी, ₹500 ठंड भरना पड़ेगा तुम दोनों को। 500 चले ये वो